हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसा फ़ोन जो 14,000 रुपये में आ जाता है और पबजी के लिए इस टाइम पे बेस्ट फ़ोन है अंडर 15,000 रुपीज़। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मिला है ऑनर 10 लाइट। अब ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। तो इस फ़ोन में मैं पबजी पूरी तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ और देखते हैं ऑनर 10 लाइट किस तरीके से परफॉर्म कर पाता है पबजी के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी से ही आपको गेम प्ले काफ़ी स्मूथ लग रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ़ोन में क्या क्या आ जाता है, क्या स्पेक्स हैं, इसका बॉक्स कैसा है, डिज़ाइन तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, पीछे से कितना अच्छा दिखता है। AI कैमरा है इसमें जो कि डुअल कैमरा है। बॉक्स इसमें आप देख सकते हैं, बॉक्स इस तरीके का आ जाता है फ़ोन का। काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा फ़ोन है, सिर्फ 14,000 रुपये का मिल जाता है। दो रैम वेरियंट हैं, 4GB 6GB, आप लोग देख सकते हो पूरी स्पेसिफिकेशन आपके सामने है। इसमें किरीन का 710 प्रोसेसर आ जाता है जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मतलब फ़ोन में कोई कमी नहीं है। बैटरी भी अच्छी है फ़ोन की, मतलब आप एक बार अच्छी बैटरी पर पबजी खेलोगे तो मज़ा आ जाएगा। 3400 mAh की बैटरी दी है फ़ोन में, मतलब पबजी आराम से आपकी चल जाएगी। ऑलमोस्ट सारे सेंसर इस फ़ोन में दिए गए हैं। अब पबजी मैं इसमें इंस्टॉल करके खेल रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैप में मैं फुल जूम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैप अधूरा अधूरा सा बन रहा है, एक बार में मैप पूरा कंप्लीटली आ रहा है। मतलब जो उसके ग्राफिक्स हैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। GPU काफ़ी अच्छा है फ़ोन का और डिस्प्ले पर काफ़ी अमेजिंग लग रही है जो गेम है, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि फुल डिस्प्ले है, सिर्फ यहाँ पर वाटर ड्रॉप वाली नॉच दी गई है जो नेग्लिजिबल है, पता भी नहीं चलती डिस्प्ले पर, बहुत छोटी सी लगती है देखने में। तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले लगती है देखने में और काफ़ी अच्छी लगती है। इस पर आप अमेजिंगली कोई भी गेम खेल सकते हैं, बट यहाँ हम पबजी खेल रहे हैं। पबजी को आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी चल रही है, ग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग है। अब मैं जंप करूँगा तो कई बार क्या होता है, प्लेन से बंदा थोड़ी देर के लिए लैग कर जाता है, बट देखते हैं इस फ़ोन में लैग करता है कि नहीं। देख सकते हो मैं आराम से उतर रहा हूँ यहाँ पर और गेम में बिल्कुल भी जो बंदा है हवा में अटका नहीं था, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से रेंडर हो रहे हैं। तो ये कमाल है प्रोसेसर का और GPU का, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, किरीन का 710 है और ये आराम से बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मतलब आराम से आपकी गेम को रन कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं कितनी फास्ट मूव कर रहा हूँ गेम में, कैमरा को इधर से उधर लेफ्ट से राइट मूव करा रहा हूँ, तब भी गेम बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, ईजिली गेम चल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई फ़ोनों में जो 14,000-13,000 के आते हैं उनमें गेम लैग हो जाता है, हैंग हो जाता है। खासकर जो रेडमी के फ़ोन्स आते हैं उनमें पबजी इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ होता है। ऑनर के फ़ोन्स में मैंने पहले भी देखा है कि पबजी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया होता है। ये तो ऑनर 10 लाइट है और इसमें गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो गेम को आप रियल टाइम में ईजिली खेल सकते हैं, बिल्कुल भी लैग नहीं होता है गेम, बिल्कुल भी हैंग नहीं होता है, ईजिली आपके फ़ोन में चल रहा है। और डिस्प्ले क्वालिटी तो अमेजिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस टाइम लॉबी में हूँ तो दूसरा मैच यहां पे चल रहा है, अभी मैं अंदर हूं तो यहां पे इस तरीके से गेम चल रहा है और गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो 1% भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। मतलब रियल टाइम में गेम चल रहा है और जो ग्राफिक्स हैं वो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। मतलब 15,000 के अंदर, सीधा सीधा ये बोलना है मेरा, 15,000 के अंदर आपको सिर्फ पबजी के लिए फोन चाहिए तो ये फोन बेस्ट है। आउटडोर ग्राफिक्स आप देख सकते हो, शेडोज कितनी अच्छी आ रही है, मतलब प्लेयर की शेडोज दिख रही है आपको, बिल्डिंग्स की शेडोज दिख रही है, क्योंकि अभी पूरी धूप निकल रही है गेम में, तो इस वजह से आपको गेम के जो ग्राफिक्स हैं काफी अच्छे को देखने को मिल रहे हैं। डिस्प्ले काफी अमेजिंग है फोन में, तो इस वजह से आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि डिस्प्ले अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अपने एनिमीज़ को दूर से देख सकते हो, किल कर सकते हो, बिल्डिंगें आपको इजीली दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप बिल्डिंगों के पास आ रहे हो तब जाके बिल्डिंगें आपके सामने निखर करके आ रही हैं, प्रकट हो रही हैं, ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो रहा है। गेम बहुत अच्छे से रन कर रहा है क्योंकि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत पावरफुल GPU है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छे से करी गई है ऑनर 10 लाइट पे। तो 15,000 के अंदर ऑनर 10 लाइट बेस्ट है, बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहो तो पबजी के लिए मेरे हिसाब से 15,000 में सबसे बेस्ट फ़ोन है ये। दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को दीजिएगा एक बड़ा सा लाइक, साथ ही साथ कमेंट में बताना आप कौन सा फोन यूज करते हो पबजी खेलने के लिए 15,000 के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं आप सभी को एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। बाय बाय।